नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है यूपीटेट की एक और अपडेट के साथ। दोस्तों, यूपीटेट की आपको पता है कल सुनवाई है वो पूरी हो गई थी और उसमें जो छात्रों के उसमें जीत हुई थी। तो दोस्तों, इसमें क्या आया है कि आप देख सकते हो न्यूज़ 180 पे जाके कि ये हिंदी 180 न्यूज़ है जो सोशल साइट का सबसे बड़ा नेटवर्क है न्यूज़ का। तो इस पर ये अपनी न्यूज़ आई कि यूपीटेट 2018 में सवालों के उत्तर में गड़बड़ी मामला पहुंचा हाई कोर्ट, सचिव तलब। तो जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है कि सचिव है जो यूपीटेट के, उनको तलब किया गया है। और याची शिमला सिंह का कहना है कि कट ऑफ मार्क 90, याची को 89 अंक मिले हैं। अगर यदि उसके उत्तर को सही मानते हुए अंक दिए जाते हैं तो वह सफल घोषित हो जाएगी। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है कि इसमें जो प्रश्न है उनको लेकर भी इसमें घोटाला भी किया गया है और प्रश्नों की गड़बड़ी भी की गई है। इसको लेकर सचिव को वो तलब किया गया है। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है और दोस्तों पूरी खबर इस वीडियो मिल जाएगी। तो वीडियो छोड़कर आप कहीं मजा आएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि आप हमारे शिक्षा ज्ञान चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको यूपीटेट से संबंधित पल पल के अपडेट सबसे पहले व सबसे तेज़ है वो उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो इस चैनल को रेड वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब है वो जरूर कर लेना। तो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसमें जो न्यूज़ आई है वो आई है कि उत्तर प्रदेश टीईटी परीक्षा 2018 में सवालों को उत्तर में गड़बड़ी का मामला हाईकोर्ट पहुँच गया। और इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले में सचिव परीक्षा नियामक अथॉरिटी की दस्तावेजों को साक्ष्यों के साथ 12 दिसंबर को तर्क किया जाएगा और 12 दिसंबर को सचिव का वो पेश होना पड़ेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ हाई कोर्ट दोनों पे याचिका लगी हुई थी और दोनों पे फैसला आ गया है और इसमें विद्यार्थियों के पक्ष में वो फैसला आया है। और दोस्तों, इसमें जो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इन्होंने 12 दिसंबर को अगली सुनवाई रखी है और लखनऊ हाई कोर्ट ने 17 दिसंबर को वो अगली सुनवाई रखी है। तो 12 दिसंबर को क्या फैसला था, सबसे पहले आपको हमारे शिक्षा ज्ञान चैनल के माध्यम से अपडेट दी जाएगी। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब तो करना ही है। और यह आदेश न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने इलाहाबाद की शिमला सिंह की याचिका पर दिया है और 80 प्रयागराज नामकरण केस में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित रखा गया है। और याची अधिवक्ता राधिकृष्णा का कहना है टीटी परीक्षा 2018 के प्रश्न संख्या 66 सीरीज ए के 2 उत्तर सही है। याची ने भी यह सही उत्तर दिया लेकिन अथॉरिटी ने दूसरे विकल्प को सही माना है। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। तो दोस्तों, इसकी क्या न्यूज आती है, आशा करते हैं इस वर्ष 12 तारीख को अपने पक्ष में फैसला आए। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हो ना भूलें।